हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे एनटीए नेट के प्रिपरेशन के बारे में। अब एग्जाम में टाइम कम बचा है, 3 महीने मान लो आप, 90 दिन इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को रीड करना है, आप सिलेबस को केयरफुली पढ़िए और उसके बाद आते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर की बुक्स भी आती है उसमें पूरे एक साथ होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ें, इनको बार बार पढ़ें और इससे आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। और आप इसके छोटे छोटे नोट्स भी बना सकती हैं, उसको टॉपिक देख के उससे नोट्स भी बना सकती हैं। जो टॉपिक बार बार रिवाइज हुआ है उसको लेकर छोटे छोटे नोट्स बना सकती हैं और वो आपके एंड टाइम पे काम आएंगे प्रिपरेशन करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। और रीड गाइड बुक्स, पूरी पूरी सेपरेट बुक तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई मैं रिकमेंड करूंगी कि गाइड बुक्स भी आप जरूर पढ़ें, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से छोड़ने हैं। तो गाइड बुक भी आप पढ़ सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक, केवीएस मदान की बुक है, ये मैंने भी रीड की है, काफी अच्छी लगी मुझे भी ये बुक, तो मैं इसी बुक के लिए रिकमेंड करूंगी। ये आपको अमेजोन पर ऑनलाइन मिल जाएगी और इसका जो देखिए प्राइस है 359 है। ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये काफी अच्छी बुक है और सफिशिएंट है ये फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेना, वो काफी है इसके लिए। सेकंड पेपर की भी गाइड बुक्स आती है, दो ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, एक अरिहेंट की आती है और एक ट्रूमेंस की आती है। इनको लोग ज्यादातर फॉलो भी करते हैं और ये ठीक ठाक है बुक, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। सेकंड पेपर की भी आती है, ये फर्स्ट पेपर की भी आती है, पर फर्स्ट पेपर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप केवीएस मदान वाली बुक की पढ़ें और रेगुलर स्टडी करें, कोई गैप नहीं करें। अब आपको रेगुलर स्टडी करनी है, बहुत कम टाइम है, ये टाइम ऐसा लग रहा है अभी आपको ज्यादा है पर बहुत तेज जाता है टाइम। ये रेगुलर स्टडी करें, जितने घंटे भी आपको पढ़ना है, तो रोज ये नहीं कि आज एक दिन कुछ नहीं पढ़ा तो कल को पूरे दिन लग जाए या बहुत ज्यादा पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर स्टडी करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपकी पावर है, उस हिसाब से करते रहें और रेगुलर लगे रहें। टू द पॉइंट स्टडी करें और फोकस एंड कंसंट्रेट के साथ करें। जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अच्छे से रीड करें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और चलो हो गया काम, ऐसे नहीं पढ़ना है। बहुत फोकस के साथ पढ़ें और एक चीज को दो दो बार रिवाइज जरूर करें। मेक वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट टाइम प्रिपरेशन एंड रिविजन। आप ऑनलाइन यूट्यूब से या कहीं और से भी थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं गूगल से, तो उसको जो आपको टॉपिक अच्छे लगे उनमें से छोटे छोटे नोट्स बनाकर चले जो आपको लास्ट टाइम में काम आए। और अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उनको नोट करें, कुछ चीजें तो नोट करने वाली होती है जो हम गूगल से पढ़ते हैं उसे नोट कर लें, और बुक से अगर आपके पास बुक है तो बुक में मैं ये कहूंगी कि हाईलाइटर ले लें और उससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, फैक्ट्स जो है, उसको हाईलाइट करते जाएं। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाईलाइट जो होंगे वो आपको अलग से ही दूर से ही दिख जाएंगे और आप उनको रिवाइज कर सकते हैं इस तरह से। डेली रिवाइज, जो भी आप पढ़ें उसको डेली रिवाइज करें। जैसे आपने आज पढ़ा तो उसको कल जब मॉर्निंग में आप बैठें तो उसको जरूर रिवाइज करें एक बार, अगर रिवाइज नहीं करेंगे आप तो उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए डेली रिवाइज करें या फिर दो दो तीन तीन दिन के गैप के बाद भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर ऑन एनटीए साइट। और जब आपको लगे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है सब कुछ पढ़ने के बाद में, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं एनटीए की साइट पर जाकर। वहां पर ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, आप उस पर जाके ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। और मैं रिकमेंड करूंगी एक टेस्ट तो आप रोजाना भी दे सकती हैं उसको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ, तो आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्प करेगी। और जो भी पढ़ना है बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ना है आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है। अगर रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो आपके पढ़ा हुआ समझ में आएगा और आपको याद रहेगा, और अगर आप ऐसे ही जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा तो लगेगा आपको कि मैंने पूरी बुक पढ़ ली है, पर आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको फिर इतना ही टाइम लगेगा और बार बार उसको भूलते जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल फोकस माइंड के साथ आपको पढ़ना है। तो ये इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, कुछ अपनी तरफ से टिप्स दिए थे। अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।
और आप उसको देख सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।